हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, हमारा बेसिकली प्लान क्या है, डीयू, बीएचयू, एचसीयू, जेएनयू, जामिया में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ ही साथ 40 से 60% सेम कंसेप्ट के बेसिस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें पूरा हमारा क्या मोटो है कि हम पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या रीच करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉब्लम सेट्स हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अगर जिनके पास नहीं है तो मुझे बता देना, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दे पोस्ट कर देता हूं, तो आप वहां से देख लेना। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, जो स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे तो प्लीज स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि ये सीरीज जो है अभी आप देखोगे कि आज हम बीएचयू का भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद एचसीयू भी करेंगे, तो आप देखोगे कि कभी कभी बीएचयू का क्वेश्चन एचसीयू में भी पूछा जा सकता है। तो आप जो सीरीज में बनाया हूं उसको पूरा आप एक लाइन से देखोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आज क्या है क्वेश्चन में, आपको क्या दिखा है यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे क्या बताना है, डिक्रीजिंग क्या बताना है आपको यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्या है, ये एक एल्केन दी हुई है, ये क्या है एक एल्केन है, और यहाँ पे क्या है दो, मतलब कि डबल बॉन्ड, मतलब दो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइक्लो पेंटेन टाइप का सिस्टम है। तो देखो हम सबको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हर जगह पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हर जगह हाइड्रोजन है। अब आप खुद बताओ अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो ओवरऑल स्पीसीज क्या बनेगी, आप ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और अब आप इसका क्या काउंट करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको क्या होता है, ये एक एरोमेटिक स्पीसीज होता है। तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, यहाँ से जब H+ निकल रहा है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि एसिडिटी सबसे अच्छा कौन होगा, एसिड वो होता है जो इजिली H+ दे, तो ये वाला कंपाउंड जब H+ देगा तो ये एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं, ये वाला कंपाउंड जब यहाँ से H+ निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या है, कंप्लीट रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखो आप इधर से भी देख सकते हो रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी देख सकते हो, तो यहाँ पे जो H+ निकलने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे तो कहीं से भी निकालो, ये यहाँ से H+ निकलना बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है या ऐसा कोई सिस्टम, मतलब कि ऐसा कोई वो नहीं बन रहा है जैसे कॉन्जुगेशन हो, डीलोकलाइजेशन हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करो, ये वाले से H+ निकालो, तो यहाँ से अगर H+ निकलेगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है H+ निकलने के बाद। देखो एसिडिटी हम ऐसे ही डिटरमाइन करेंगे, आप H+ निकाल लो, जो कंपाउंड बन रहा है, जो एनायन बन रहा है, उसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला था, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक था, उसके बाद फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट अच्छा रेजोनेंस हो रहा था, थर्ड ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा था बट उतना ज्यादा नहीं हो रहा था जितना यहाँ हो रहा था, फिर फोर्थ ही हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लो, सबसे ज्यादा फर्स्ट, सबसे ज्यादा डी किस में है, डी के बाद सी, डी के ये, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, अब ये देखो HCU का क्वेश्चन आ गया, तो द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोस्टेंट एसिड अमंग द फॉलोइंग, एक बात मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पूरा पीपीटी बना रखा है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका पीपीटी का लिंक भी दे दूंगा, जिसको चाहिए मैंने सेपरेट एक एक करके आपके लिए BHU, HCU, DU और जामिया JNU के जितने भी प्रीवियस ईयर है उनका अलग से स्लाइड बनाया, तो आप वहां से अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है, आपको वो स्लाइड भी मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। अब देखो क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड अमंग द फॉलोइंग, सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं गलती कर देते हैं, ठीक है।
देखो फिनॉल और मान लो साइक्लोहेक्सेनॉल और फिनॉल और बेंजोइक एसिड टाइप का सिस्टम था, तो हमको पता है बेंजोइक एसिड वाला जो सिस्टम होता है फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ए और बी हमारे में ऑप्शन में कट गए। अब हमारे पास बचा है बेंजोइक एसिड टाइप का, एक ये था जो बेंजीन से डायरेक्टली सीओएच था, एक साइक्लोहेक्सेन से सीओएच जुड़ा था और जिससे क्लोरीन लगा था। अब आप मुझे खुद बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हम दोनों का क्या करते हैं, H+ निकाल के देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद जो जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है, ये स्पीसीज बन रही थी। इधर अगर हम बनाते हैं तो क्या बन रहा था, क्लोरीन जुड़ा है और साथ ही साथ C डबल बॉन्ड O O माइनस। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। ऐसा ही क्वेश्चन होता है जो आपका मार्क्स, जो आपकी रैंक बहुत ही डिक्रीज इंक्रीज करने तक का ये चांस रखता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप देखो कि ये जो ओ नेगेटिव है यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट एक चीज यहाँ पे दिक्कत ये दे रही है कि जब यहाँ पे बेंजीन है जो, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी तो इधर आ सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी तो इधर आ सकता है, ये पाई, जब पाई इलेक्ट्रॉन से इधर आएगा तो क्या होगा कि ये जो बेंजीन का सिस्टम था, ये वाला जो सिस्टम चल रहा था, बेंजीन में जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो बहुत ही बहुत ज्यादा किलो जोल मोल पर मोल जो होती है इसकी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे ये इसके रेजोनेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन क्या कर रहा था, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है, बेंजीन का ही क्या हो जा रहा था, रेजोनेंस जो डीलोकलाइजेशन अच्छा चल रहा था, अंदर पाई बॉन्ड का जो रिंग में डीलोकलाइजेशन चल रहा था वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। इस वजह से डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन लगा है, हैलोजन क्या करेगा इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी साथ ही साथ एसिडिटी दोनों इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं हो रही थी, क्यों, क्योंकि बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन ये भी जब इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बढ़ा रहा था। हमें क्या करना है, एसिडिटी में हमें क्या देखना होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घटाना होता है। इस वजह से डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नहीं तो बहुत सारे लोग ये देखेंगे यार बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो तुरंत क्या मार देंगे, ऑप्शन सी मार देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, देखो अब पूछा है दैट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत आसान है, पहले इसको अच्छे से लिख लिया करो क्योंकि इस तरह में गलती हो जाती है। तो सी एस थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी यहाँ से क्या जुड़ा है, सी एस थ्री हाइड्रोजन और सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू। आप सबको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजिशन पे होते तो किसकी प्रियोरिटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की, लेकिन यहाँ पे तो वैसे भी डिफरेंट पोजिशन पे, मतलब अगर मैं इधर से नंबरिंग करना चाहूँ तो 1 to 2 पे क्या पड़ रहा था, बॉन्ड आ रहा था ट्रिपल बॉन्ड, इधर से तो सिंगल वन पे ही हमें बॉन्ड मिल जा रहा था, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम आप सिंपल है, देखो क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल, थ्री पे मिथाइल लगा हुआ है, कॉमा कितने कार्बन की चेन है, हेक्स। अब क्या है, फोर पे क्या लगा है, आइन लगा है, तो फोर आइन वन इन, या वन ना भी लिखो तो भी सही, अब ऑप्शन चेक कर लो, पहला तो कट जाएगा, दूसरा हेक्स टू आइन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा चेक करो तो थ्री मिथाइल हेक्स फोर आइन वन इन, ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन भी देखो, तो डी ऑप्शन में देखो हेक्स पहले, याद रखना हमेशा आइन को, जो हमारा आइन होता है, जो ये ग्रुप पड़ा है बीच में, इसको हम पहले लिखते हैं, जो इन है क्योंकि ये हमारा मोस्ट प्रायोरिटी वाला है तो इसको हम बाद में लिखते हैं। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन का एचसीयू 2011 का क्वेश्चन है, इसमें क्या था, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन डिकम्पोजिशन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम प्रेशर रिलीज 2 एमएल ऑफ ईच कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो एक कोई हाइड्रोकार्बन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, उसको जब हमने क्या किया 500 डिग्री पे हीट किया और 1 एटीएम प्रेशर पे, तो ये क्या कह रहा है, एक मोल कार्बन ऑक्साइड मिल रहा है और क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस मिल रही है, क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस मिल रहा है और क्या मिल रहा है साथ में साथ, आप देख रहे हो वाटर वेपर, वाटर वेपर का क्या मतलब होता है, नाइट्रोजन मिल रहा है, वाटर वेपर मतलब वाटर ही है लेकिन स्टीम के फॉर्म में, तो मतलब H2O जो कि स्टीम के फॉर्म में,
ये चीज हमें मिल रहा था। तो पूछ रहे द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हमारे में इम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप देखो ये चीजें रिलीज हो रही थी इतना हीट करने पे, तो आप इसी को क्या करो जोड़ के देख लो। तो जोड़ोगे अगर आप देखोगे तो एक कार्बन है और क्या मिल रहा है, दो हाइड्रोजन है और क्या मिल रहा है, दो नाइट्रोजन N2 है और O2 है। तो यही हमारा क्या रहा होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला रहा होगा, तभी इतना चीज हमें क्या मिल रहा है, इतना हीट करने पे ये निकल रहा है। तो आप देख लो सिंपल, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें तो कुछ बहुत खास था ही नहीं यार, बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो एसिडिटी बेसिसिटी का आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक को पहले उठाया है। मैं आपको एक चीज बहुत ही अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरा भी देखो, मैं NIT राउरकेला में प्रेजेंटली, अभी मेरा सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ, तो अभी मेरे पास टाइम है, अभी थोड़ा सा कुछ दिनों में होने वाला है, अभी नहीं होगा लगभग, फिर भी मेरे पास समथिंग एक महीने का तो टाइम है, तो मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको मेरे साथ एक चीज ये करना पड़ेगा कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना लग रहा हूँ, तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अभी हम GOC देखो, हम चार से पांच दिन में GOC का पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्या, एरोमेटिसिटी में बहुत ही अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि गलतियां भी करा देते हैं। फिर उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाएंगे जहां से बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं। अगर देखो यही खेल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पेपर में, अगर आपका दो पोर्शन भी बहुत स्ट्रांग है ना, सपोज ऑर्गेनिक और फिजिकल, तो आपको इनऑर्गेनिक अगर आपको उतनी ज्यादा भी नहीं आती तब भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और इस बार सबसे पहले हम सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद अपनी रैंक ले आएंगे। सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, फिर हम रैंक भी अच्छी ले आएंगे। मेरा पूरा टारगेट है पहले आपको सेलेक्ट करवाना है, देन उसके बाद रैंक ले आना है। ठीक है, ये मेरा पूरा मोटो, मैं आपके साथ मेहनत करता रहूंगा। बहुत सारा मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है वो क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं बट वो एंड नहीं करते हैं, दो चार लेक्चर पढ़ा दिए उसके बाद खत्म। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं पूरी ऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट पूरा कोशिश करूंगा खत्म कराने की, उसके बाद आगे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स एंड एनिलीन्स का क्या बताना है आपको, बेसिसिटी बतानी। देखो सबसे पहले बेसिसिटी का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व या उसका जो इंटेंसिटी है लोन पेयर की वो मैक्सिमम रहनी चाहिए उसी पे। तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में क्या भैया एनिलीन है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो सेकेंड वाले में क्या लगा है, दो NO2 ग्रुप लगे हैं, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। NO2 ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप आपको पता होना चाहिए ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या है, उसको क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे होंगे, उसको क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे होंगे। थर्ड वाले में देखो तो एक ही NO2 ग्रुप है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा लेकिन सेकेंड के कंपेरिजन में ज्यादा नहीं विड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाले में देखो तो फोर्थ वाले में दो NO2 ग्रुप लगे हैं लेकिन क्या कैसे लगे हैं ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं, और एक मिथाइल ग्रुप है वो कैसा है, पैरा पोजीशन पे। तो आप यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे, तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, उसके बाद देखो BCD में आप कंपेरिजन करो तो दो NO2 ग्रुप यहाँ सेकेंड वाले में लगे हैं और फोर्थ वाले में कितने लगे हैं, फोर्थ वाले में देखो तो दो लगे यहाँ पे भी लेकिन यहाँ पे ऑर्थो में लगे और यहाँ पे मेटा में लगे। तो आप खुद बताओ कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा होगा। आपको पता है NO2 ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जब आप नाइट्रोजन का क्या करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ऑर्थो पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा तेजी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे करोगे देखने जाओगे तो मेटा पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं, तो NO2 उतना इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड और फोर्थ में हमने देखा कौन सा ज्यादा होना चाहिए, सेकेंड और फोर्थ में, फोर्थ वाला तो सबसे कम हो जाएगा इतना हमें पता है। अब सेकेंड और थर्ड का कंपेरिजन करो तो सेकेंड में क्या है और थर्ड में क्या है। सेकेंड में देखो दो NO2 ग्रुप लगे हैं लेकिन दोनों कैसे है, मेटा पे इफेक्टिव नहीं होता है, मेटा पे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम नाइट्रोजन का क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मेटा पे कोई भी नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो में, बना के दिखाता हूँ आपको। जब आप क्या करोगे, ये है सपोज NH2,
जब ये सपोज ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो तीन जगह नेगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आता है। तो मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज आते नहीं है, मेटा पे कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इस पोजीशन पे आई नहीं रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कैसे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ दो NO2 ग्रुप लगे, यहाँ एक NO2 ग्रुप लगा, तो अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप क्या कर रहा होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा यहाँ पे CH3, तो ये CH3 कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, वो भी कैसा, प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सोचो सेकेंड हो जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट कहाँ गलती कर देते हैं, उनको ये लगता है कि यार यहाँ पे दो दो NO2 है, यहाँ पे एक NO2 है, तो थर्ड का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे ये सोचो NO2 मेटा पोजीशन पे लगा है, उससे तो कोई मतलब भी नहीं, आप चार NO2 दस NO2 कितना भी लगा दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाले में एक ऐसा मिथाइल ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इस वजह से ये ज्यादा हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है, देखो अब क्या है, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कहां पे किसी पे भी अटैक कर सके, क्या कर सके, अटैक कर सके। तो देखो सब में पिरिडीन तो कॉमन हो गया। अब हमें वो देखना है कि कौन सा जो लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे क्या है, पिरिडीन, भाई नाइट्रोजन का तो लोन पेयर पिरिडीन में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब आप मुझे खुद बताओ कि कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही होगी तो वहां पे क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लगा है, NME2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे COOCH3 ग्रुप लगा है। जैसे भी C डबल बॉन्ड O टाइप के ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं उसको, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं, तो इस वजह से ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इसका ऑर्डर बताना चाहूँ, ऑर्डर में देखना सबसे ज्यादा देखो क्या होगा, यहाँ पे NME2 ग्रुप लगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगा, तो NME2 जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, साथ ही साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो सबसे ज्यादा बी होगा, बी के बाद क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है तो ये भी करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर उसके बी, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बी। ठीक है, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपका दिमाग और कुछ कहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा ही खेल है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट थिंकिंग होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी हो सकता था, या आपको मेरे को जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो एक चीज ये है कि देखो आप वहां से उसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, एक नहीं हमारा तीन चार ग्रुप है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पे आके डिस्कस कर लो, वहां पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी आइजर ये सब के भी हैं, तो आप वहां से भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्या पूछ रहा है, द मोस्ट एसिडिक आइसोमर हाइड्रो, द मोस्ट एसिडिक आइसोमर हाइड्रोकार्बन अमंग द फॉलोइंग इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट करते हैं जिनको बहुत ही अच्छा उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। इसी तरीके के क्वेश्चन से क्या होता है, रैंक में डिफरेंस आता है। पहले आपको सिलेक्शन लेना है, उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन करके अपनी रैंक को इम्प्रूव करना है, अपनी रैंक को इम्प्रूव करना है। ठीक है, मैं अप्रोच बताता हूँ, मैं क्या सोचा था जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा, तो मेरा अप्रोच क्या था, मोस्ट एसिडिक मतलब, एसिडिक मतलब हमको एच प्लस निकालना है, एच प्लस निकालने के बाद जो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये बेंजीन है, यहाँ से तो एच प्लस निकलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब H+ निकलने के एक यहां से पॉसिबिलिटी है, इस कार्बन से यहां से पॉसिबिलिटी, यहां से पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी, यहां से देखो अगर CH3 से SP3 कार्बन से
sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जो लगा होता है वो एसिडिक नहीं होता सबसे पहली बात, तो यहाँ से H+ निकलना बहुत टफ है। अब दो पॉसिबिलिटी, यहाँ से H+ ये वाले कार्बन से निकलने की, ये वाले से, अगर सपोज यहाँ से निकलता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस बेंजीन में जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था उसको डिस्टर्ब करेगा, यहाँ अंदर जाएगा तो बेंजीन में क्या हो जा रहा था, चार्ज आ जा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेंजीन का जो ओवरऑल था डीलोकलाइजेशन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। सेकंड वाले केस में देखते हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ से इस नेगेटिव से, दो पॉसिबिलिटी यहाँ से, दोनों से निकाल के आप देख लोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा नेगेटिव चार्ज आने से कुछ खास यहाँ पे बन नहीं जा रहा है। थर्ड वाले में देखते हैं, अगर यहाँ से निकलता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अगर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कंप्लीट बढ़िया रेजोनेंस में रहेगा, लेकिन देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी, ठीक है, फोर्थ से निकालोगे तो ये भी यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी क्या है कि ये भी डीलोकलाइजेशन में, अच्छा डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर भी जा सकता था, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब देखो ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के जो रेजोनेंस हो रहा था नेगेटिव चार्ज उसको डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा कोई ग्रुप लगा होता कि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होता तो मैं मान सकता था कि यार चलो ठीक है, बट यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना ना बहुत ज्यादा मतलब सिस्टम को अच्छा नहीं कह सकते, और साथ ही साथ ये बेंजीन के जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था उसको भी डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे भी देखो एक कॉन्जुगेशन ये हो रहा है, ठीक है, ऐसा कॉन्जुगेशन इधर से भी जा सकता है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे। अब आपको देखना पड़ेगा, ए हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बी सी डी में कुछ ऐसा देखो जो आपको अलग दिख रहा हो। अगर मैं सी का आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बना के आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग लगाने का खेल होता है, ये क्वेश्चन मैं वही बता रहा हूँ ना, बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट करते हैं, और जो अटेम्प्ट करते हैं जो या तो गलत होता है या तो फिर आप ही सोच लो क्या होता है, फिर उनका दिक्कत हो जाता है। यहाँ से अगर H+ निकला तो ये नेगेटिव चार्ज आया, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये क्या कर सकते हैं, अगर ये यहाँ अटैक करे तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आप देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया था और ये यहाँ पे आ गया, ये CH3, यहाँ से ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अब आप यहाँ पे एक खास बात देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चार और ये नेगेटिव चार आने की वजह से ये वाला जो रिंग का पोर्शन है, ये कैसा हो जा रहा है, एरोमेटाइज हो जा रहा है। एरोमेटाइज होने की वजह से सबसे ज्यादा जो H+ निकलने की टेंडेंसी होगी वो C वाले में होगी, बट आप यहाँ निकाल के देखोगे तो कहीं से भी ओवरऑल कंपाउंड को एरोमेटिसिटी या और कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। कॉन्जुगेशन तो देखो सब में हो रहा, उसके बाद हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिससे हम क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो यहाँ पे सी पे आप अगर निकाल के देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जा रहा था और नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से ये वाला जो सिस्टम था, ये वाला जो रिंग का पोर्शन था, ये कैसा हो जा रहा था, एरोमेटिसिटी गेन कर रहा था, और एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा ओवरऑल कंपाउंड को मिलेगी, स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर ये एनायन स्टेबल हो रहा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर से ही मिल जाएगा, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आप देखो क्या पूछ रहे हैं, अमंग द फोर आइसोमर C7H7Cl इसके चार आइसोमर बनेंगे, विच वन विल हैव द वीकेस्ट कार्बन हैलोजन बॉन्ड। चारों ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, 2-chlorotoluene स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 2-chlorotoluene आपको पता होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉलिन 2-chloro, सेकंड पे क्लोरो। बी ऑप्शन क्या है, 3-chloro, ठीक है भैया 3-chloro बना लेते हैं हम, CH3 3-chloro। सी की ऑप्शन बात करते हैं, ये टॉलिन बना लिया हमने, 4-chloro। डी ऑप्शन की देखो क्या है, बेंजिल क्लोराइड। अब बहुत से स्टूडेंट तो पहले यही कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये बेंजिल क्लोराइड होता है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेंजीन पे CH2Cl को बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। अब क्या पूछ रहा है कि विच वन इज द वीकेस्ट कार्बन हैलोजन बॉन्ड,
अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते ना तो मोस्टली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता यार कि स्टार्ट कैसे करें, सोचे क्या इसमें। तो अगर एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आप सोचो कि आपके दिमाग में आता क्या, आप ये सोच के देखो। मैं तो बताऊंगा ही, अप्रोच भी डेवलप कराने की कोशिश करो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपके दिमाग में वीडियो पॉज करो, सोचो क्या हो सकता है। देखो अब मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। मेरे को क्या लगा जब मैं ये सॉल्व कर रहा था, तो मुझे क्या लगा कि देखो मैंने क्या सोचा मेरे दिमाग में क्या कि देखो एक बात तो है कि क्लोरीन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या सॉरी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। किसमें इन्वॉल्व होंगे? डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। एक बात तो मुझे ये पता थी, यहाँ पे क्लोरीन का लोन पेयर जो था वो नहीं इन्वॉल्व होगा। अब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ रहा था कुछ ना, तो यहीं से कुछ ना कुछ है कि भाई यहाँ पे क्लोरीन तीन ऑप्शन में क्लोरीन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा था, डी ऑप्शन में यहाँ पे बेंजील क्लोराइड में नहीं हो रहा था। और हम सबको पता है जब ये क्लोरीन का लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, अगर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी था और एक पाई बॉन्ड आ रहा था। यहाँ पे क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिर्फ क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड जो होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद ऐसे अब बता सकते हो कि यार यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन जब लोन पेयर अपना डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा था। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि यार पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है जनरली ऐसा कहते हैं, लेकिन वहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन जब यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लो, इस बी और डी को कंपैरिजन करो, तो क्लोरीन यहाँ पे जब लोन पेयर दिया तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया है ना, एक पाई बॉन्ड बना, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पाई बॉन्ड बनने की वजह से भी क्या है, ओवरऑल क्या हो जा रहा था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने लोन पेयर दिया है तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई दोनों है, एक सिग्मा एक पाई जो होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बेंजील क्लोराइड का जो ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन को आपको इस तरह हैंडल करना। आगे चलते हैं। अब क्या है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन मैं आपको जो ट्रू बातें हैं वो आपको बताता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आईयूपीएसी अगर आपको नहीं आती है तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आईयूपीएसी मैंने पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ पढ़ लो, क्योंकि आईयूपीएसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें आईयूपीएसी नेम दिया रहेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा तो नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आईयूपीएसी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये पूछा था, सी डबल बॉन्ड ओ, एन से बी आर जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो आईयूपीएसी नहीं आती, तो पहले वो उनको देख ले, जिनको आती है उनके लिए देखो। ये एक तरीके से देखो, जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू, इसको बोलते हैं एसिटामाइड बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी ये एक अमाइड है, ये ठीक है, ये अमाइड है। अब नाइट्रोजन से जो भी ग्रुप लगे होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको लिखा जाता है। अब नाइट्रोजन से ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आते हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन पहले आएगा, तो ब्रोमीन पहले, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्रोमो, फिर कॉमा, अब एन से क्लोरो भी जुड़ा है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत क्या थी, उन्होंने जब ये एचसीयू का पेपर हुआ था तो आंसर की में ऑफिश जो आंसर की आ गई थी उसमें उन्होंने क्या दे दिया था, इसका नाम एन ब्रोमो एन क्लोरो, उसके बाद उन्होंने दे दिया था एसिटामाइड। लेकिन मुझे, मैं ये इसको नहीं मानता हूँ। मुझे क्या लगता है कि आईयूपीएसी जब हम नेम लिखते हैं तो ये एसिटिक एसिड एसिटामाइड ये तो कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइड बोल देंगे। तो इसका नाम क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एन ब्रोमो एन क्लोरो इथेनामाइड, इथेन अमाइड, क्योंकि दो कार्बन की चेन है, इथेनामाइड। तो देखो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको दिमाग में और कुछ आइडिया आता है, आपको लगता है कि यार नहीं ये नहीं सही होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए, तो आप आओ ना ग्रुप पे, हम डिस्कस करेंगे ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद इन्वॉल्व रहता हूँ ग्रुप पे, आपके लिए अवेलेबल हूँ। अभी जब तक मेरे एग्जाम नहीं है तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर ये मेरा थॉट है कि मुझे लगता है ये होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑफिशियल में आंसर की में उन्होंने ये दे दिया था। अब देखो कंफ्यूजन आईयूपीएसी जहां तक मुझे समझ में आती, तो
यहाँ पे इथनामाइड होना चाहिए, एसिटामाइड नहीं होना चाहिए। अब लेकिन उन्होंने दे दिया, अब देखो दिक्कत तो होती है। अगर आपका थॉट और कुछ कहता है कि नहीं यार यही होना चाहिए, तो आओ मुझसे डिस्कस करते हैं, और सारे स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, ठीक है। तो मैं जो मुझे लगता है वो बी ऑप्शन होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ऑप्शन ए उन्होंने दे रखा था। अगर आपको लगता है कि ए ही सही होना चाहिए तो मुझे भी बताओ, मेरी भी नॉलेज इंक्रीज होगी बस, बट एज पर माई नॉलेज बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, वाटर दिया है, ये क्या है HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये एक इथेन दिया और एक अमोनिया दिया, तो हमको पता है डायरेक्टली हेट्रो एटम से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, वाटर एसिडिक होता ही है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो क्या है, ये एसिटिलीन है, ये इथेन, देखो इथेन जो है वो तो सबसे कम हो जाएगा, हमको इतना तो पता है यार, इथेन सबसे कम हो जाएगा, तो थर्ड नंबर पे इथेन हो जाएगा। फिर उसके बाद एसिटिलीन है और ये अमोनिया, अमोनिया लुईस बेस होता है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग बेस नहीं होता है, ठीक है, वीक बेस होता है। लेकिन जो एसिटिलीन होता है, यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन एसपी कार्बन होता है, एसपी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड के बाद फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के बाद थर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये लुईस बेस है, बेस तो है लेकिन ये क्या है, ये तो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरऑल देखेंगे ये बहुत ही वीक बेस होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अगर यहाँ से भी निकालो, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों नेगेटिव चार्ज में कौन किस में ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इस वजह से फोर्थ वाला जो होता है थर्ड से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आईआईटी जाम तक में ये आया है, इवन एक बार मैंने देखा था, इस सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन था, टाइप फॉर में जो आया था। अब क्या है, मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, अब देखो जैसे ही डायपोल मोमेंट का आया तो आप तुरंत ऑप्शन में देखना एक चीज, कहीं ऐसा सिस्टम तो नहीं बन रहा जो सिस्टम को एरोमेटाइज कर दे रहा है। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन में यही होता है कि कुछ इस तरीके से पार्ट बनता है कि वो ओवरऑल सिस्टम को एरोमेटिसिटी प्रोवाइड कर दे रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो आ ही रहा होगा, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ ही रहा होगा, यहाँ पे भी देखो ये क्या है, अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ, सी ऑप्शन आपको मे भी दिख नहीं रहा होगा, ये पीएच पीएच यस है, ठीक है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा। अब देखो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव तो सब में कॉमन है, अब देखो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ पे बनना सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जा, कहाँ पे सबसे ज्यादा बनने की टेंडेंसी, यहाँ पे बनता है तो चलो पीएच पीएच ग्रुप लगे, थोड़ा सा यार पीएच ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का होता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव को स्टेबलाइज नहीं डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो क्या है कि ये देखो कॉन्जुगेशन इस साइड से तो हो सकता था, बट यहाँ पे क्या है sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन की वजह से ये पूरा कॉन्जुगेशन में अच्छे से नहीं इन्वॉल्व हो पाएगा। थर्ड वाले में देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये O- हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पीएच पीएच, अब देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो जा रहा है, दो टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जा रहा है, और टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे मैंने कहा था ना इस तरीके के कंपाउंड, इस तरीके के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे क्या होता है एरोमेटिसिटी गेन होती है। तो जब भी हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, आपको कीटोन टाइप का मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो आप वहाँ पे एक चीज दिमाग में तुरंत आपकी स्ट्राइक होनी चाहिए कि कहीं पे ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं जहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, एरोमेटिसिटी बन रही है, तो उस तरीके से अगर आप सोचोगे तो मे बी आपका जो अप्रोच है यही अप्रोच यही कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन देखो कि अगर यहाँ पॉजिटिव आता भी है तो नेगेटिव आता है, कोई ज्यादा स्टेबलाइज हो ही नहीं रहा था, क्यों, और कोई ऐसा फैक्टर था ही नहीं जो इसको स्टेबलाइज कर सके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सी में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि आपको क्या कहते हैं चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों, तो चार्ज जब डिवाइड हो रहा था पॉजिटिव नेगेटिव में तो ये क्या हो जा रहा था, ओवरऑल कंपाउंड को स्टेबलाइज कर दे रहा था ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं द स्ट्रक्चर विच इज नॉट अ रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द अदर इन द फॉलोइंग, चलो मैं ये स्ट्रक्चर को मान के चल रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर है, बाकी से कंपेरिजन करते हैं, ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव इधर गया
और ये पाई बॉन्ड इधर आए और ये पाई बॉन्ड इधर आए तो ये नेगेटिव बना, ये बी स्ट्रक्चर। तो मतलब ये दोनों तो आपस में रेजोनेंट है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को इससे कंपैरिजन करते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर को सबसे कंपैरिजन करके देख लेता हूँ। तो फर्स्ट वाला सेकंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ठीक है भाई, ये तो सही हो गया। अब फर्स्ट वाले को और थर्ड सी से कंपैरिजन करते हैं, तो कुछ भी कर लोगे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकता। तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट, ये फर्स्ट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। फर्स्ट और डी को कंपैरिजन करो, तो डी में क्या है देखो, यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जब ये आएगा तो ये एक यहाँ भी पॉसिबिलिटी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो फर्स्ट और डी भी जो है वो भी आपस में कैसे है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बस फर्स्ट और सी क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। आपसे यही पूछा था कि कौन सा आपस में रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है, तो सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एमंग ट्राइक्लोरो एसिडिक, 2014 में एचसीयू में पेपर आया था। याद रखो, अभी मैं सिर्फ किसको कवर कर रहा हूँ, जितने भी जीओसी के प्रॉब्लम्स आए हैं सारे के सारे जीओसी के प्रॉब्लम्स ही हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम एरोमेटिसिटी पे आएंगे, एक एक स्टेप सीखेंगे, और इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट पूरी करा दूंगा प्रीवियस ईयर। और जो कंसेप्ट होता है, जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। अगर हम जैसे, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, अकेले मेरी मेहनत से नहीं हो पाएगा। बस इतना है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि टीचर का रोल क्या होता है, कि वो आपकी मेहनत को थोड़ा सा कम कर सकता है। मेहनत इन द सेंस, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट आपको आइडिया दे सकते हैं कि आप गलत चीजों को ना पढ़ें। जो कॉम्पिटिशन में अभी आ रहा है आप अभी पढ़ो, बाद में अगर आपको पीएचडी वीएचडी करना है फिर आप जितना चाहे उतना पढ़ते रहना। अभी आपको क्या है, एक अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहां के प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, वहां उनसे पढ़ना, फिर उसके बाद आपको जो भी और चीजें आपको इंटरेस्ट हो उसको पढ़ते रहना ना। अभी तो उतना तो कर लो कि भाई आपका क्या निकल जाए, कॉम्पिटिशन एग्जाम निकल जाए। तो अभी हम जीओसी कवर कर रहे हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक हम कवर करते रहेंगे, आपको बस मेरा सपोर्ट करते रहना। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक। क्या है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एमंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है फर्स्ट, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड OH, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो क्लोरीन 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 क्लोरीन, सी डबल बॉन्ड OH। फिर उसके बाद क्या है, एसिडिक एसिड नॉर्मल CH3 सी डबल बॉन्ड OH। फिर चौथा क्या है, फॉर्मिक एसिड H सी डबल बॉन्ड OH। हमको पता है कि जब हम एसिडिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, H+ को यहाँ से चुपचाप क्या करो, हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, यहाँ से भी हटाओ। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक शो करेगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बी सबसे ज्यादा होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन लगा, तीन तीन फ्लोरीन लगा, इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद देखो, क्लोरीन है यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल है, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन खींचेगा, उसके बाद सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखो इन दोनों में कंपैरिजन करो, तो यहाँ मिथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन तो नॉर्मल है, ये तो हम न्यूट्रल लेके चलते हैं, तो मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहा, तो मिथाइल जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये तो सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा। तो आप ऑप्शन मैच कर लो, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक सर्कल, हाइड्रोजन जो है उनमें से आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। पहले आप अपना अप्रोच सोचो, वीडियो को पॉज करो, एक सेकंड के लिए सोचो, इस क्वेश्चन को देखो, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मेरा अप्रोच सुनना, मैं क्या कहता हूँ कि हाइड्रोजन निकाल के हम देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक। तो सबसे हाइड्रोजन निकालते, फर्स्ट वाले में निकाला हमने, फर्स्ट वाले से हाइड्रोजन निकाला, सेकंड वाले से भी निकाल के देखते हैं। यहां से निकला और यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आया। यहां से निकाल के देखते हैं,
ऐसे नहीं थे, ये पाई बॉन्ड इधर है, ये पाई बॉन्ड इधर, यहां से निकाल के देखते, ये नेगेटिव इधर है। अब देखो हमने क्या, मैंने आपको बताया एसिडिटी का जब भी सवाल आए आप हाइड्रोजन निकालो, जो एनायन बन रहा है उसको देखो, उसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे आप एक चीज तो देख रहे हो भाई, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ओवरऑल सिस्टम क्या हो जा रहा है, एरोमेटाइज हो जा रहा है। एरोमेटाइज होने का मतलब सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज्यादा तो अभी आगे चलते देखते, ये तो एरोमेटाइज हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकलने के बाद ओवरऑल सिस्टम में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जा रहा है। एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब स्टेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है, दो दो चार दो छह और नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आता है वो सिस्टम क्या क्या कर दे रहा था, ये सिस्टम को दो दो चार दो छह दो आठ आठ पाई बॉन्ड, आठ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये सिस्टम को एंटी एरोमेटिक कर रहे थे। जब सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है तो सिस्टम डीस्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज नहीं डीस्टेबलाइज होता है। अब ये वाला देखो कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये भी कैसे हो जाएगा, आप देखो दो दो चार और इधर से अगर काउंट करोगे, देखो ये वाला भी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एरोमेटिक एरोमेटिसिटी तो गेन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है कि यहाँ पे ये बेंजीन, जो बेंजीन सिस्टम थे, ये बेंजीन आपस में अच्छा कॉन्जुगेशन कर रहे थे। अगर ये नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा तो ये बेंजीन का जो ओवरऑल सिस्टम हो रहा था ऑलरेडी ये एरोमेटिक था, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी था से उसका कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा था। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, पहले ये ऑलरेडी बेंजीन तो एरोमेटिक था, ये नेगेटिव निकलने की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ज्यादा बनेंगे, यहां पे रेजोनेंस अच्छा होगा, लेकिन ओवरऑल ये बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी थी, पहले बढ़िया 6 पाई बॉन्ड ये आपस में अच्छे से डीलोकलाइज कर रहे थे, बट ये जैसे नेगेटिव चार्ज अंदर घुसा तो यहां पे इस सिस्टम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। तो बेंजीन का जो डीलोकलाइजेशन था उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, एरोमेटिसिटी तो अभी भी मेंटेन रहेगी, बट क्या हो जा रहा था, ये ऑलरेडी ये वाला H+ निकलने के बाद एरोमेटिक हुआ, ये ऑलरेडी एरोमेटिक था, निकलने के बाद क्या हो जा रहा था, एरोमेटिसिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जा रही थी। तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट वाला एसिडिक, देन थर्ड वाला, देन सेकंड वाला, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तो लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। ठीक है, IUPAC name of the following compound is, बहुत ही सिंपल है, आपको क्या आना चाहिए बताया ना मैंने आपको, IUPAC में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या आपको आना चाहिए, सीरीज, जो एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं, वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज आप IUPAC देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बहुत ज्यादा टाइम है, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना, तो उसके बाद क्या है, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, पता नहीं है कि कब पेपर होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे IUPAC तो आप देख ही लो, क्योंकि IUPAC से रिलेटेड आपको 4 से 5 सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, OH है और NH2, तो आपको जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है उसमें आपको पता होना चाहिए अल्कोहल अमीन से पहले आता है, तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगी, तो 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो क्या लगा है, 4 से क्या लगा, अमीन, तो अमीनो हो जाएगा, अगर अमीन है तो अमीनो हो जाएगा, 2 पे क्या लगा है, फ्लोरो लगा है, तो 2 फ्लोरो हो जाएगा, 1 पे क्या है, OH जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब आप ऑप्शन कैलकुलेट कर लो, देखो तो ये ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, 4 अमीनो 2 फ्लोरो हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, HCU का भी अभी और कुछ थोड़े से प्रॉब्लम बाकी उसको देखेंगे, उसके साथ साथ फिर हम DU पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, हमने BHU कवर कर लिया था, अभी तक जितने भी GUC के प्रॉब्लम आए उसमें हमने कवर कर लिया प्रीवियस वीडियो में, जो बच्चे अभी नहीं देखे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। और आपको मेरा प्लान समझ में आ रहा है ना, मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं वो आप ना करो, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमारा, अगर एग्जाम अभी आपका अच्छा नहीं हुआ, शायद आपको अच्छे IIT NIT नहीं मिल रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, तो उसके लिए प्लीज फोकस रहो, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जैम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भाई, यहाँ पे आपको
120 में से आपको 100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, पहले आप 60 तो करो, 60 में से ही 60 क्वेश्चन करो ना यार। तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तुम्हारे स्ट्रांग है तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लो, फिजिकल छोड़ दो। जब तुम्हारा 60 क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद आओ ना आगे, पहले सिलेक्शन ले लो, फिर उसके बाद हम रैंक तो अपनी अच्छी लाएंगे लाएंगे। रैंक अच्छी लाने के पहले सिलेक्शन लेना, उसके बाद हमें रैंक पे फोकस करनी। तो पूरा पूरा यहाँ पे खेल किसका, दिमाग का, कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना पड़ेगा। जो अप्रोच है क्वेश्चन को, अगर आपका नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ रहने की, आपके साथ लगे रहूंगा, आपको जितनी भी हेल्प चाहिए होगी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।